उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर नाचती हुई। इस रंगीन रोशनी को हम अरोरा या पोलर लाइट्स कहते हैं और इसे हिंदी में ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। जो रंगीन रोशनी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर दिखती है हम उसे नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा बोरियलिस कहते हैं, और जो रोशनी दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देती है उसे साउदर्न लाइट्स या अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन लाइट्स के नामकरण और इतिहास की। लोग हजारों सालों से इन ध्रुवीय ज्योति को देख रहे हैं और इनसे जुड़ी दंत कथाएं बना रहे हैं। कई धर्मों और पंथों में इन पोलर लाइट्स का जिक्र मिलता है, पर इंसानों द्वारा रचित इनके सबसे पुराने सबूत 10,000 साल पुराने हैं। फ्रांस में कुछ पुरातन गुफाओं की पेंटिंगों में इन लाइट्स का जिक्र है। साथ ही 10वीं सदी ईसा पूर्व के कुछ चीनी ग्रंथों में भी इन ज्योतियों का वर्णन मिलता है। जाहिर है एशिया और यूरोप के लोग दक्षिण में अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया तक नहीं जा सकते थे, इसलिए यहाँ के लोगों ने उत्तर में दिखने वाली ज्योतियों के बारे में बताया, पर इनका नाम अरोरा अभी तक नहीं पड़ा था। इनका नाम सबसे पहले 1619 एडी में गैलीलियो गैलीली ने भोर की देवी अरोरा के नाम पर इस ज्योति का नाम रखा, जो रोमन धर्म में प्रभात की देवी थी, और बोरियलिस शब्द ग्रीक देवता बोरिस से लिया गया है जो उत्तरी हवाओं का देवता था। इसके बाद 17 फरवरी 1773 को जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर और नेविगेटर कैप्टन जेम्स कुक अपनी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने साउदर्न लाइट्स को अरोरा ऑस्ट्रेलिस नाम दिया। चलिए अब जानते हैं इन लाइट्स के पीछे के विज्ञान को, और हम जानेंगे ये लाइट्स दिखती क्यों हैं, तथा ये लाइट्स केवल ध्रुवों पर ही क्यों दिखाई देती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह है। जिस तरह से चुंबक के दो ध्रुव होते हैं वैसे ही पृथ्वी के भी दो ध्रुव हैं, जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी छोर पर है और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर। और पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें, जिन्हें हम अंग्रेजी में मैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, वे एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के चारों ओर मैग्नेटोस्फीयर का निर्माण करती हैं, जो हमें सूर्य से आने वाली सौर हवाओं और कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। हमारा जो सूर्य है वो लगातार पृथ्वी की तरफ सौर हवाओं या सोलर विंड्स को भेजता है। इन सोलर विंड्स में सूर्य से आए चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो प्लाज्मा के रूप में पृथ्वी की तरफ आते हैं और पृथ्वी पर लगातार हमला करते हैं। पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर इस हमले से पृथ्वी की रक्षा करता है, पर जब सूर्य ज्यादा मात्रा में सोलर विंड्स का निर्माण करने लगता है तब इस स्थिति को हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। इस दौरान सूर्य से आने वाली सौर हवाएं पृथ्वी पर लगातार हमला करती हैं, जिससे पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में खिंचाव होने लगता है और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड किसी इलास्टिक बैंड की तरह स्ट्रेच होने लगती है। इस प्रक्रिया के दौरान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तरंगें टक्कर की दूसरी तरफ जाने लगती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, और चूंकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी दो स्थान हैं जहां से पार्टिकल्स को अंदर आने का मौका मिलता है, इसीलिए केवल उत्तर और दक्षिण में ही यह ज्योति दिखाई देती है। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद सूर्य से आए चार्ज पार्टिकल्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के न्यूट्रल एटम से मिलते हैं। इन पार्टिकल्स के टकराव से एनर्जी उत्पन्न होने लगती है, जिससे ये रंगीन रोशनी दिखाई देती है। अरोरा में कौन से रंग की रोशनी दिखेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिस न्यूट्रल एटम से पार्टिकल टकरा रहा है उस एटम की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कितना है। इस टकराव में जब चार्ज पार्टिकल्स ऑक्सीजन के न्यूट्रल पार्टिकल से मिलते हैं तब वे हरी और लाल रंग की रोशनी पैदा करने लगते हैं, और नाइट्रोजन एटम्स नीली और गहरी लाल रोशनी। चलिए अब जान लेते हैं दुनिया में कहां कहां से इन लाइट्स को देखा जा सकता है। नॉर्दर्न लाइट्स को हम फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का आदि के उत्तरी इलाकों से देख सकते हैं। वही साउदर्न लाइट्स को हम अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के कुछ देश जैसे अर्जेंटीना आदि से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं समय की, तो नॉर्दर्न लाइट्स को साल में कभी भी देखा जा सकता है, पर जनवरी से मार्च के बीच जब सर्दी की लंबी रातें होती हैं
तब आसमान साफ होता है, तब इन्हें देखना ज्यादा मजेदार होता है। वही साउदर्न लाइट्स को देखने का समय सितंबर के आसपास होता है, तब साउदर्न लाइट बढ़िया नज़ारा देती हैं। इन्हें देखने का सही समय होता है रात में, क्योंकि दिन में ध्रुवीय ज्योति साफ दिखाई नहीं देती। सूर्य की रोशनी के कारण इनके रंग दिखाई नहीं देते। अरोरा से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।